नमस्ते, आदाब और शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुजी ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो आप परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें। लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारा कोड उपयोग करके आप 40% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सामने दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पर जून से शुरू हो सकती है एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूलों से संकुल प्राचार्य का जो पद है वो समाप्त होने जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति यहाँ पर होगी। तो ये जो खबर निकल के आ रही है, एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। और एरिया एजुकेशन ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम हुआ था PEB के द्वारा, यानी कि व्यापम के द्वारा 2013 में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासन ने राज्य शिक्षा सेवा के तहत 3000 AEO की भर्ती के लिए 8 सितंबर 2013 को व्यापम के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा कराई थी। इसका रिजल्ट 10 सितंबर 2013 में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संकुल केंद्रों की व्यवस्था अब समाप्त हो जाएगी, इनकी जगह एरिया एजुकेशन ऑफिसर AEO नियुक्त होंगे। और दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये जून से शुरू हो जाएगी। करीब 1500 संकुल केंद्र हैं पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, और भोपाल में 48 संकुल केंद्र हैं। एक साल एक परिसर योजना के बाद मुक्त हुए सीनियर हेडमास्टर या लेक्चरर को AEO का प्रभार सौंपा जा सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने इस पद के लिए सितंबर 2013 में परीक्षा ली थी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों के लिए AEO की नियुक्ति की जानी थी। इसके अनुसार AEO को वो सारे अधिकार दिए जाने थे जो जिला परियोजना समन्वयक यानी कि DPC के हैं। इसी के साथ उसके अधिकार भी बढ़ाने की बात कही जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से। अब जो है संकुल प्राचार्य का पद समाप्त होने जा रहा है, एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति होने जा रही है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको यहाँ पर, क्या ये जो एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति है ये